Hello guys, this is Saddam Leonardo Cab. Welcome back to my channel to explore the weirdness of quantum world along with me. I am making videos on the course of quantum mechanics and is going to cover the basics as well as advanced part of the syllabus, which is necessary to begin the course on quantum field theory and to clear any competitive exams to get admission into master's and PhD course like JAM, JEST, CSIR, NET, JRF and GATE. If you really like my videos and grasp the concept as well, please support me with your few clicks. Subscribe, share and hit the notification bell. Thank you. Let's begin our lecture. पिछले वीडियो में हमने बात किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में और हमने निकाला था प्रोबेबिलिटीज में कि किस तरह से हमारा जब कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रैप होता है किसी बॉक्स के अंदर और मैं एक वॉल को एब्रप्टली सडनली उसे हम चेंज करते हैं एल से मैंने 4L किया था और मैंने देखा था कि अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बात करते हैं तो वो जो प्रोबेबिलिटी आती है वो हमारी 18% आती है न्यू बॉक्स की कि हमारा जो पार्टिकल है वो नए बॉक्स में कितना परसेंट होगा ठीक है और हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी इन फर्स्ट स्टेट तो हमारा वो कितना आता है सिर्फ 5% निकल के आता है तो एक सरप्राइजिंग रिजल्ट था कि किस तरह से हमारा जो पहले स्टेट होता है वो कम्प्लीटली सुपरपोजिशन स्टेट में होता है यानी कि हमारा जो वेव फंक्शन होता है वो एक कम्प्लीटली सुपरपोजिशन स्टेट्स में होता है हमें कोई उसके बारे में जब तक मैं मेजरमेंट ना करूँ हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है ओके तो ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट था जो हमें देखने को मिला और इसका यूज़ मैंने बताया था बहुत ज़्यादा क्वांटम कंप्यूटर्स में होता है तो आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं इस तरह से सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम एवरेज वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे कि सपोज़ हमारे पास ऑपरेटर्स हैं एक्स पी तो हम कैसे उनके एवरेज निकालेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे किस तरह से हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स को निकालेंगे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है हमारा वो एच बार बाई टू से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए और प्लस अनसर्टेनिटी इन एक्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हम किस तरह से निकालेंगे तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो डेफिनेशन क्या होती है सबसे पहले जो डेफिनेशन होती है अगर हमें निकालना है अनसर्टेनिटी किसी भी ऑपरेटर के लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर आप उस ऑपरेटर का पहले स्क्वायर करो और उसके बाद उसके एवरेज लो फिर माइनस करो उसका एक एवरेज लो और उस एवरेज करने के बाद उसका स्क्वायर लो तो कहने का ये मतलब है कि आप स्क्वायर रूट लो जो ऑपरेटर है मतलब कि एक्स बार एक्स हैट है तो एक्स का पहले आप स्क्वायर ले लो और उसके बाद तब उसके एवरेज निकालो एवरेजिंग करो और फिर आप क्या करो कि नेगेटिव करो उससे तो उसी क्वांटिटी का पहले एवरेज लो और उसके बाद स्क्वायर करो तो इससे आपको मिल जाएगा कि उसमें अनसर्टेनिटी एक्चुअली में कितनी है कि उस क्वांटिटी में जो आप भी निकाल रहे हो वो जो पोजीशन में कितनी पोजीशन आपने निकाला तो उस पोजीशन की जो क्वांटिटी है उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है मतलब यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट एनीथिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स देयर इज़ नो एनी श्योरिटी दैट्स व्हाई वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस प्रोबेबिलिटी तो जो प्रोबेबिलिटी है वो इसी डिस्क्रिपेंसी को बताता है कि आप में कितनी अनसर्टेनिटी है और ये कम्प्लीटली आता है कहाँ से सुपरपोजिशन स्टेट से पहले आपको कुछ पता होता नहीं है फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हो और वो जो एक्सपेरिमेंट में जो इंटरफेरेंस होता है यानी कि आप की जो चाहत है जानने की वो अपने आप में क्या आता है वो अपने आप में एक एरर लेके आता है वही एरर हमें क्या देता है ये अनसर्टेनिटी दिखाता है अनसर्टेनिटी इज़ नथिंग बट एरर एरर क्या है आपकी जिज्ञासा की आप जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे वो आपको उसकी एरर देता है कि उसमें किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर करते आप प्रोबेबिलिटी को मेजर किए कि उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है तो उसमें एक एरर आ गया प्रोबेबिलिटी किसी में 18% है और क्या है तो आपके पास एक ऑब्जर्वेबल है पोजिशन मोमेंटम एनर्जी एंड सो ऑन तो उसमें कितनी एरर होगी वो आपको देखना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो पोजीशन और मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या वो लेस आ सकती है इस बार से तो हम आज इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये जो प्रिंसिपल है क्या ये मेरा ट्रू है या नहीं है तो पहले हाइजेनबर्ग ने पहले इसे दे दिया था बट क्या क्वांटम मैकेनिक के लिए सही है या नहीं है तो उसी तरह से हम फिर मोमेंटम को भी देखेंगे कि मोमेंटम की जो मतलब कि वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो क्या होती है तो आइए इस वीडियो में हम इसे एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो पहले हम पोजीशन की अनसर्टेनिटी निकालते हैं पोजीशन में क्या अनसर्टेनिटी है तो उससे पहले हमें निकालना होगा एक्स पहले हम ये सीखते हैं कि हमारे पास अगर एक वेरिएबल है एक्स या वो ऑपरेटर है तो उसका हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालेंगे और ये भी हम कर रहे हैं पार्टिकल इन बॉक्स के लिए
तो जो इसकी डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जर्वेबल है तो आप क्या करो, साई ऑफ स्टार लो एक, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे क्या कर लो, और आप किस स्टेट में हो, गया ग्राउंड स्टेट में मेजर कर रहे हो, तो हम पहले क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में मेजर करेंगे, मीन्स एन इज इक्वल टू वन स्टेट में है। ओके मुझे कि ऑब्वियसली आप मेजर करोगे पोजीशन, तो पोजीशन आप ऐसे एब्स्ट्रैक्टली मेजर नहीं करोगे, आप पोजीशन मेजर करना चाहोगे कि आप मेरा ग्राउंड स्टेट में किया है, सेकेंड स्टार्ट स्टेट में किया है, फर्स्ट स्टार्ट स्टेट में किया है, तो वो आप मेजर करोगे, ठीक है। तो साई वन पे हम बात करते हैं, फिर हम एक्स लेते हैं, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं साई वन ऑफ एक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें आप साई ऑफ एक्स लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको देना ही पड़ेगा साई ऑफ वन ऑफ एक्स, अदरवाइज जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हो जाएगी, ऑर्थोगोनल हो जाएंगी, तो उससे कोई फ़ायदा हमारे पास होने वाला है नहीं। ओके तब अब हम क्या बात करते हैं यहाँ पे कि साई वन ऑफ एक्स एक्स साई वन ऑफ एक्स, तो हमारा जो वेव फंक्शन निकल के आता है पार्टिकुलर इन बॉक्स के लिए 2/L नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट साइन पाई ओवर एल इंटू एक्स। तो अब हम पुट करेंगे इस पे, तो हमारा क्या आएगा 0 to L, क्योंकि स्टिल हमारा जो जो हमारा बॉक्स है वो क्या है 0 to L पे है, और ये 2/L दोनों पे आएगा, रियल फंक्शन है, तो इसका क्या हो जाएगा, मेरा सिंपली 2/L हो जाएगा, और ये मेरा क्या होगा। अब ये देखिए ये सिर्फ एक्स है, एक वेरिएबल है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स का जो हमें देता है, सपोज़ कि मैं अगर चाहता हूँ एक्स को अप्लाई करना साई पर, तो हमें क्या देगा, सिर्फ एक आइगन वैल्यू, जिसे कहते हैं एक्स, एक रियल नंबर है एक्स, और साई ऑफ एक्स, तो हमें ये देगा। तो अगर मेरा एक्स बार इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, इस पर अप्लाई होता है, ये डेफिनेशन है हमारा, इस पर अप्लाई होगा, तो ये सपोज़ मैं इस पर ऐसे लिखता हूँ साई वन ऑफ एक्स, इस पर अप्लाई होगा तो हमें क्या देगा, सिर्फ सिंपली पहले तो ये है एक्स चला जाएगा और एक्स, और ये आपको देगा डी एक्स। ओके अब आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे, तो इसे कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, मतलब इंटीग्रेट आप उसका करो जो इंटीग्रेट हो सकता है, और उसके बाद एक डिफरेंशिएशन भी करना है फंक्शन का, तो जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है आप उसका डिफरेंशिएट करोगे, जो इंटीग्रेबल फंक्शन है आप उसे इंटीग्रेट करोगे। तो 2/L मैं लिखूंगा इस तरह से, और सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन करने का। तो पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिखता हूँ, तो साइन सॉरी पाई बाई एल इंटू एक्स, इसे आप इंटीग्रेट करोगे और एक्स को जैसा है वैसा रहने दोगे, ठीक है। फिर माइनस में आएगा 0 to L, तो आप पहले डिफ्रेंशिएट करोगे, एक्स इजीली डिफ्रेंशिएबल है, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे साइन पाई बाई एल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। देन 2/L हम फिर लेते हैं, और हम यहाँ देखते हैं कि ये जो एक्स एक्स रहेगा साइन, तो ये हमें देगा कॉस ऑफ पाई बाई एल इंटू एक्स ओवर पाई बाई एल 0 to L। अब ये दोनों पे जाएगा, ये लिमिट एक्स पे भी है इस पे भी है, तो ये दोनों पे काम करेगा माइनस 0 to L। अब साइन का जब हम इंटीग्रेस करेंगे तो ये हमें क्या देगा, हमेशा नेगेटिव साइन देगा 0 to L, ये हमें 1 देगा, और ये मेरा आएगा नेगेटिव वैल्यू के साथ, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमें देगा कॉस पाई बाई एल इंटू एक्स ओवर पाई बाई एल डी एक्स 2/L। ये तो मेरा नेगेटिव है, अब मैं इसे छिड़खानी नहीं करता हूँ। अब आप देखो कि यहाँ आप अगर इसे डालोगे तो क्या आपको, मुझे ये आपको क्या मिलता है, तो जब अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करोगे तो ये आपको सिंपली क्या देने वाला है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये मेरा L दे देगा cos पाई, ये L है तो cos पाई क्या देगा मुझे, ये पाई, ये हो जाएगा मेरा एल स्क्वायर, बिकॉज एल ऊपर चले जाएगा, और कॉस पाई बाई एल इंटू एल, एल एल कैंसिल, कॉस पाई क्या देगा मुझे सिंपली -1, और अब मैं अगर 0 लगाऊंगा तो ये मुझे क्या देगा सिंपली 0। फिर उसके बाद हम यहाँ पे चले आते हैं, तो पाई बाई एल, अब मैं इसका इंटीग्रेट करूँगा तो कॉस का इंटीग्रेट मुझे साइन देगा, और ये जो कोफिशियंट है वो नीचे आ जाएगा, तो ये मेरा कंप्लीट होगा एल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, वेरी गुड। एंड देन हमें क्या देगा ये साइन, तो ये मेरा साइन आ जाओ साइन पाई बाई एल इंटू एक्स। एक मैंने चीज़ यहाँ पे मिस्टेक किया है, बिकॉज यहाँ पे तो हमारा है साइन स्क्वायर आएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सिंपली साइन स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे साइन स्क्वायर का करोगे तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, 1 - cos 2π/L, ठीक है, ओवर यहाँ पे आएगा आपका 2 आएगा, ओके। तो ये मेरा मिस्टेक है, बहुत बड़ा मैंने मिस्टेक किया यहाँ पे, 1 - cos 2π/L ओवर 2 आएगा। तो आप अगर जब इसका कैलकुलेशन करोगे, जो मैंने थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर दिया है, तो मैं इसे आप पे छोड़ता हूँ, और मैंने बता दिया कि मेथड क्या है, तो जब इसे आप कैलकुलेट कर सके, ये आ गया साइन स्क्वायर, तो
यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे 2π/L तो कॉस 1 देगा, 0 भी अगर बैठा होगा तो आपको क्या देगा, 0 देगा, तो ये कम्प्लीट 0 हो जाएगा। और जो भी चीज़ें आएंगी वो यहाँ से आएंगी, तो मैं आपको रिजल्ट लिखता हूँ सीधे, तो रिजल्ट मेरा आएगा वो 2π/L इंटू L² / 4 L/2। तो वीडियो बनाने के टाइम में ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप कैलकुलेट करने के लिए आओ तो आपको बड़ी सावधानी से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एग्जामिनेशन में भी आप ध्यान रखना कि आप किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हो। ओके, तो अदरवाइज़ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा करेगा। ठीक है, तो हमारा जो देखने के लिए बात आई कि अगर हम पोजिशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमारे क्या निकल के आती है, 0 to L आती है, कि हमारे पास एक इन्फिनिट बॉक्स है और हमें अगर पोजीशन निकालना है तो वो हमें क्या देगा, समथिंग लाइक L/2, कि हम जितने बार भी इसमें अगर हम एक्सपेरिमेंट करें पोजीशन निकालना चाहें इन ग्राउंड स्टेट, ये मोस्ट प्रोबेबल जो हमें देगा कि पार्टिकल की जो मोस्ट प्रोबेबल क्या है लोकेशन है वो कहाँ पे है, L/2 के बीच में, और सब जगह पे क्या है वो कम होगी लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी, बट यहाँ पे क्या होगी, ये मैक्सिमम है, इसलिए हमेशा हम करेंगे जब भी तो ये हमें क्या देगा, L/2 देगा, ये इसका मतलब होता है। उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि X² पे हमें क्या देगा वो, तो जब आप X² की करोगे तो सेम 2π/L 0 to L, अब आप समझ चुके हो यहाँ पे क्या होगा, sin² इसका फंडा आपको पता है इनटू X², तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है डेरिवेशन करने में कि मैथमेटिक्स किस तरह से हो रहा है, तो मैं इसके लिए आपको डिराइव करके दे सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाना चाहता हूँ और आपका जो रिजल्ट है मैं उसे शो करना चाहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नज़रिए से रिजल्ट जानना कि रिजल्ट में क्या है, मैथमेटिक्स कॉलेज लेवल पे हो जाती है। ओके, क्योंकि आपको 12 लेवल पे इतनी कैलकुलस कर चुके होते हो जहाँ पे आपको कोई अभी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है इन सब चीज़ों को करने के लिए, ठीक है ना। और जो भी प्रॉब्लम हो यू कैन कंसल्ट विद मी, आप कमेंट में लिख सकते हो कि आपको क्या करना है या नहीं करना। तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो आप अगर इसे लगाओगे तो आपका जो निकल के आएगा L³/12, ओके 2 - 3/π². अब आप डायमेंशनलिटी को चेक कर सकते हो, तो डायमेंशनलिटी चेक कर कह सकते हो कि ये एक्स है, ये क्या देगा आपको, लेंथ देगा, तो ये L कैंसिल हो गया और ये आपको डायमेंशन क्या देगा, मुझे लेंथ। उसी तरह से ये लेंथ का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये आपको क्या दे रहा है, लेंथ का स्क्वायर, इट मीन्स कि आप जो भी कर रहे हो वो क्या है, सही है। नंबर्स का मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ, तो नंबर्स का गारंटी भी हमें मिल जाएगा एक बार हम चीज़ों को कर ले। तो X² हमारा इस तरह से आ गया, तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट है। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने सेकंड रिजल्ट क्या निकाला है। अब देखते हैं मोमेंटम का, तो पहले मैं देख लेता हूँ मोमेंटम का डेफिनेशन क्या है, H⁄I ∂ ∂x और d/dx, ठीक है। तो मोमेंटम का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या निकल के आएगा, H²d2 dx² विद माई माइनस साइन, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ मोमेंटम क्या निकलेगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सी मैं ये करूँगा, 0 to L √2/L दोनों जगह आएगा, तो ये होगा 2/L। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले मैं एक बार लिख देता हूँ ψ*x, और जब भी आप इसका मोमेंटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करना है, इसको d/dx को यहाँ लिखना, ठीक है, और उसके अप्लाई करना ψ(x) पे। ऐसा नहीं कि d/dx को आप इस पर अप्लाई करो, ठीक है ना, अदरवाइज आप इस पर अप्लाई करोगे तो आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा, कुछ भी लेना पड़ेगा, तो बेटर ये है कि आप इस पर अप्लाई करो, ठीक है। H/I अभी नहीं लूँगा, ले रहा हूँ मैं, तो मैं अब लिखने जा रहा हूँ इसको H/I 2/L 0 to L ψ* क्या होगा मेरा, सिंपली sin π/L इंटू एक्स d/dx अगेन sin π/L इंटू एक्स dx। अगर आप इसे करोगे 2/L 0 to L sin π/Lx, नाउ d/dx sin π/Lx क्या देगा मुझे, cos π/Lx dx, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक फंक्शन आ गया इनटू π/L कौन लिखेगा। अब आप अगर इसे 0 to L करोगे तो जनरली ये क्या है, एवरेज होता है, तो साइन इंटू कॉस ये आपका बन गया, एक फंक्शन बन गया, तो आप इसे क्या ले सकते हो, 1/2 sin 2π/L इंटू एक्स, तो मैं कर ही देता हूँ इसे 2π/L अगेन π/L 0 to L हाफ कर लो sin 2π/L इंटू एक्स dx। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप इसे एवरेज करो, 0 to L मतलब क्या होता है, इसे एवरेज करना है, और साइन क्या है 2π/x, तो इसकी जो क्या होती है, लोएस्ट वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। एवरेज कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, -1 + 1/2, सिंपली क्या हो जाएगा 0।
अगर यहाँ साइन स्क्वेयर होता तो लोएस्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो, और हाईएस्ट वैल्यू 1/2, तो एवरेज साइन स्क्वेयर क्या होगा, हमेशा हाफ आएगा, और साइन ऑफ दिस फंक्शन का क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो याद रखना, तो ये जो मेरा फंक्शन है जो एवरेज करने के बाद मुझे क्या मिला, जीरो मिला। इट मीन्स के जो एवरेज मोमेंटम है, आप जब निकालोगे फर्स्ट सॉरी ग्राउंड स्टेट में निकालोगे, तो पार्टिकल हमेशा क्या होगा, उसकी जो मोमेंटम होगी वो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, एवरेज मोमेंटम क्या होगी, जीरो होगी। इट मीन्स के ऐसा हो रहा है उसके अंदर कि जितने भी उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो कुल मिला के उसकी जो मोमेंटम है, क्योंकि वो क्या करेगा, बैक एंड फोर्थ जा रहा है, ठीक है ना, तो उसकी मोमेंटम को क्या करेगा, एक्चुअली में कैंसिल आउट कर रहा है, और इसी वजह से आपको जो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिली वो जीरो मिली। अब जैसा कि हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देख चुके हैं कि हमें मोमेंटम स्क्वायर निकालना पड़ेगा, कि मोमेंटम स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो देखते हैं हमें मोमेंटम स्क्वायर क्या देता है। अगेन 2/L, 0 to L, साइन n π/L, सॉरी ये तो सिंगल सा मैं ground state ले रहा हूँ। अब यहाँ आएगा d2/dx², और यहाँ आएगा मेरा h बार स्क्वायर, बिकॉज h बार i, ध्यान देना पीछे देख लो आप, नहीं पता है तो dx, ठीक है। तो -h² 2/L 0 to L। नाउ एक बार साइन पे लगाओगे तो क्या देगा, कॉस देगा, फिर एक बार लगाओगे तो क्या देगा, साइन देगा। इट मीन्स के ये हो जाएगा मेरा sin² π/L (x). अब दो बार इस पर लगा रहे तो π/L क्या है, दो बार निकलेगा, तो ये होगा π/L 2 बार d/dx। तो अब यहाँ देख सकते हो आप, अब यहाँ देखने वाली बात है कि क्या यही मेरा प्लस दे रहा है, ऑब्वियसली देना चाहिए ऐसे, क्यों, पहले अगर मैं लगाऊंगा कॉस आएगा, कॉस के बाद अगर मैं लगाऊंगा तो क्या देगा, साइन देगा विद माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो तुम तो गयो। और ये मेरा π/L² 0 to L sin² π/L (x dx), ठीक है। तो अब देखते हैं ये मुझे क्या देगा। अब मैंने अभी बोला था ना sin² π/L (x), ये क्या है, एवरेज हो रहा है, इसमें भी 0 to L में ही एवरेज हो रहा है, तो मुझे क्या देगा, सिंपली हाफ दे देगा ये h² 2/L π/L² × ½ आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये मुझे क्या दे रहा है, 2 2 तो कैंसिल हो गया, और कुछ हुआ क्या, जनरली इसमें कुछ हो नहीं रहा है, और आपको कुछ दिख रहा है होते हुए, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आ सकता है, तो यहाँ पर h² आ जाएगा, फिर ये π² आ जाएगा, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि ये π² क्यों आ रहा है, और जो नेक्स्ट चीज़ आएगा यहाँ पे वो आएगा आपका l³ आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कोई डायमेंशनलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, जो भी हो इस चीज़ को हम फिगर आउट कर सकते हैं इजीली कि क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। सो लेट्स मूव ऑन, और फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। ओह हैंग ऑन अ सेकंड, तो यहाँ पे 1/2 होगा, बट यहाँ पे क्या है, l है ना, तो मैं सोच रहा था वही, ये l क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा मेरा l², क्योंकि मोमेंटम है, del/dx है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, d/dx, x है, x क्या है, लेंथ है, जिसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, l² नीचे आना चाहिए, तो डायमेंशनलिटी की वजह से l² नीचे आना चाहिए। तो इस तरह से आप अगर करोगे तो आपको इजीली पता हो जाएगा कि आप कहाँ पे एक्चुअली में मिस्टेक कर रहे हो, और आप बच सकते हो इन सब सिली मिस्टेक की वजह करने से, ठीक है ना। तो मोमेंटम का जो आप याद रखना, हमेशा डायमेंशनलिटी क्या होता है, इनवर्स ऑफ एल होता है। ये मोमेंटम क्लासिकल वाला मोमेंटम नहीं है, ये अलग वाला मोमेंटम है, ये ऑपरेटर वाला मोमेंटम है, इसलिए इस तरह से हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटी एक्स में क्या आता है। जब एक्स में आप निकालोगे तो मैंने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ठीक है। तो जब आप इसे करोगे तो मैं सोचता हूँ कि l² / 6 आएगा। आप देख सकते हो पीछे मैंने क्या निकाला था, और फिर ये जो है मेरा क्या निकला था, l² l/2 निकला था, तो l² / मेरा क्या आएगा, 4 आएगा हाफ। तो जब आप इसे करोगे तो आई थिंक ये निकलना चाहिए l² √12 −6 π² −3 √2½। अब उसी तरह से आप अगर मोमेंटम का निकालना चाहोगे तो मोमेंटम को तो सेम सिंपल है,
क्योंकि इसका तो बहुत सारा चीज़ तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है। ये वाला क्वांटिटी हमारा जीरो है, और ये वाला जो क्वांटिटी आया है वो मेरा क्या आया है, एच बार स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आएगा, एच बाई पाई एल। अब आप इजीली लगा सकते हो, डेल एक्स इंटू डेल पी, ये हमें क्या देगा, ये हमें क्या दे सकता है। तो कॉपी कलम निकाल लो और करो, बिकॉज कॉपी कलम अगर नहीं निकालोगे तो मज़ा नहीं आएगा इस तरह से लेक्चर सुनने का, ठीक है। ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे आपको करना पड़ेगा। और ये कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा, ये तो अच्छी बात है कि मैंने ऑलरेडी कर चुका था, वरना यहाँ पे कैलकुलेशन करना तो लंबा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो आप ज़रा एक बार देख लो और इस कैलकुलेशन को खुद से भी करने की कोशिश करना, बिकॉज़ ये आपके एग्ज़ाम में पूछेगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्चुअली में क्या निकलता है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर में डाल के, तो ये जो आपका आएगा समथिंग लाइक 0.567 इंटू पाई और भी ब्ला 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 ब्ला। तो ठीक है, तो और ये आएगा मेरा एच बार। अब 0.567 तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन आई थिंक 1/2 है ना, सॉरी ये पाई तो होगा नहीं, सब कुछ मिलाने के बाद होगा 0.567। तो ये ग्रेटर देन क्या होगा, हाफ टू होगा एच बार। ओके, तो कहने का मतलब ये था कि ये 1.125 के आसपास कुछ आता है वैल्यू ऑफ एच बार। तो जो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, वो उसने क्या बोला था कि आपकी जो ये क्वांटिटी की जो आंसर आनी चाहिए वो हमेशा एच बार बाई टू से ग्रेटर होना चाहिए, और ये हमारा आया। इसका ये मतलब है कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स करते हैं तो हमारा जो, जब हम मेजरमेंट करते हैं, ये मेजरमेंट की जो प्रॉब्लम है, जब हम इंस्ट्रूमेंट से या फिर जब हम अपने कॉन्शियसनेस से इंट्रैक्ट करते हैं क्वांटम सिस्टम को, तो क्या होती है उसकी जो सुपरपोजिशन स्टेट्स हैं वो एक बार में क्या होती है, एक कॉलेप्स होके सिर्फ जिस चीज़ पे आपको निकालना है वो आपको देता है। और जब मेजरमेंट करते हो, ये जो मेजरमेंट है वो क्या करती है, सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। और उस डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि आपकी अनसर्टेनिटी कैरेक्टरिस्टिक आती है, कि आप किसी भी चीज़ को कंप्लीट तरीके से मेजरमेंट नहीं कर सकते, मतलब 100% आप प्रिसाइज नहीं हो सकते हो। इसमें जो मिनिमम एरर होगी वो क्या होगी, एच बार बाई टू होनी है, इससे कम नहीं हो सकती है। जो भी एरर आएगा वो आपका इससे ज़्यादा आएगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपके आप इंस्ट्रूमेंट को कितना प्रिसाइज बनाते हो कि वो आप इस क्वांटिटी के अप्रोक्स पहुँच सको, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट चीज़ था कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, वो इन चीज़ों को दिखा रहा था। तो अब जब हमने कैलकुलेशन कर लिया, तो अब हम कुछ नोटेशंस की बात करते हैं कि हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए हम और किस किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, कितना प्रिसाइज नोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं जो हमारे लाइफ को बहुत ईजी बनाएगा। अब तक हम देख रहे थे वेव को देख रहे थे, तो अब हम बात करते हैं नोटेशंस पे ऑफिशियली। ये नोटेशन एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारे बहुत बड़े बड़े इंटीग्रल को बस सिंपल से सिंपल एल्जेब्रा में या सिंपल नोटेशंस में हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिराक नोटेशन, ठीक है। सबसे पहले जब मैंने लेक्चर का शुरुआत किया था क्वांटम मैकेनिक्स में, मैंने कहा था कि हमारे पास दो फॉर्मूलेशन आती है, एक को हम कहते हैं वेव फॉर्मूलेशन, जिससे हम डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर और सब चीज़ लगाते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं और सब, तो ये वेव फॉर्मूलेशन है। और एक आती है हमें मैट्रिक्स फॉर्मेशन पे। तो डिराक ने क्या कहा, डिराक ने कहा कि जैसे कि आप डिफाइन करते हो किस पे, एक कहा कि आप डिफाइन करते हो स्टार को, इसे कहते हैं हम डुअल, और एक आप कहते हो जो एक रियल स्पेस है साई ऑफ एक्स, ठीक है ना। और एक इसका आप डुअल लेते हो यानी कंजुगेट लेते हो, ये क्वांटिटी है जो आप मेजर करते हो साई ऑफ एक्स, इसे आप कभी मेजर नहीं करते हो डुअल को। तो डिराक ने ये कहा कि जब आप इसे मेजर करते हो तो आप इसे क्या कहोगे, कैट कहोगे। इसका नाम उसने क्या दिया, कैट, वो कैट नहीं सी एड कैट नहीं, ये कैट उसने नाम दिया। और ये सब जो चीज़ें उसने किया, ये जब वो अपना पीएचडी का थीसिस दे रहा था क्वांटम मैकेनिक्स में, उसने पहली बार पीएचडी का थीसिस दिया, और वो पहला इंसान था जिसने एक नए चीज़ को, उस टाइम में जो 1925 के अराउंड था जो क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ हो रहा था, और इसने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। और यही वो इंसान था जिसने पहली बार पॉजिट्रॉन को दिया, कि इलेक्ट्रॉन का जो एक एंटी पार्टिकल होता है यानी कि एंटी पार्टिकल भी होता है, वो उसने दिया, और वो उसकी देने किसी डिराक की देना है। तो इलेक्ट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन पे सेम मास होता है बट चार्ज डिफरेंट होता है, इसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन्स। वेल, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें इससे भी डिस्कस करना है। तो अभी हम कहते हैं कि जो भी हमारा रियल क्वांटिटी है, जैसे कहते हैं साई ऑफ एक्स को हमने क्या किया, कैट।
और जो इसका डुअल स्पेस में आता है साई स्टार ऑफ एक्स, उसे कहा इसने बड़ा। ओके तो कैट्स एंड ब्रास। ओके तो अब हम यहाँ पे देखिए कि हम जब इनर प्रोडक्ट लेते हैं कि साई ऑफ स्टार एक्स इंटू साई ऑफ एक्स, और हमने कहा कि एन ऑफ एम है, और मैंने ये भी कहा था कि चलो पूरे स्टेट्स में लोगे, ठीक है, तो इसे मैंने कहा था ना एक बार कि इनर प्रोडक्ट हम लेते हैं, ठीक है, और जी हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी देती है कि ये क्या आनी चाहिए, डेल ऑफ एन एम। अगर एन इज इक्वल टू एन एम, इसे हम कहते हैं क्रोनेकर डेल्टा। एन और एम इक्वल होगा तो हमें देगा एन, और वन देगा, और जीरो होगा जब एन इज नॉट इक्वल टू वन, तो ऐसे हम कहते हैं क्रोनेकर डेल्टा। तो इस पूरे चीज़ को जानते हैं हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरफ लगाएंगे ब्रा और इस तरफ लगाएंगे हम कैट, और ये हमें क्या देगा, डेल ऑफ एन एम, यहाँ लगा तो क्या एम, यहाँ लगा तो एन। तो इसे हम नोटेशन को ठीक कर लेते हैं एन एम। ओके तो कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटे से ये कंप्लीट जो इंटीग्रल है इसका, जब भी आप इसे देखना बुक में, इसका ये मतलब है कि ये सिग्निफाई करता है इसको, इनर प्रोडक्ट को, ब्रा विथ कैट। अब जैसे कि मैं यहाँ पे साई ऑफ है, अगर मैं मेरे पास कोई ऑब्जर्वेबल है ए और मैं उस पर लगाता हूँ साई ऑफ एक्स, तो आप क्या कर सकते हो, बोलोगे कि इसका एक जो आइगन वैल्यू है वो ये देगा और विद फंक्शन। तो इसे डिराक के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, सिंपल है, साई ऑफ एक्स कैट में लगाओ, ए लगाओ और फिर इसे कैट में यूज़ कर दो। उसी तरह से हम अगर ये एनथ है तो ये भी आपको क्या देगा, एनथ आइगन वैल्यू देगा, सेम है। अगर आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है तो मैंने कहा था एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जैसे कि आपको ने कहा था साई ऑफ स्टार देन ए देन ए, और ये इस पर अप्लाई होगा डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इसको हम डिराक के लैंग्वेज में लिख सकते हैं साई ए साई, मतलब ये इस पर अप्लाई हो रहा है, और ये मेरा कंजुगेट, जो ये मेरा बड़ा है वो मेरा बड़ा आ गया, ये मेरा के आ गया, और ऑब्जर्वेबल को लो और इन दोनों के बीच में क्या कर दो, सैंडविच कर दो, और इसका जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो क्या है, यही डेफिनेशन है। जब भी मैं ये लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और जब मैं इसे लिखूं तो इसका मतलब समझ जाना ये इनर प्रोडक्ट हो रहा है, यानी ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन को ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, ठीक है। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि ये किस तरह से हमारा साई ए साई एन ऑफ साई एन दे सकता है। तो कभी कभी हमारा जब मिक्स स्टेट में लिखा हुआ रहेगा कि साई दे रहा है हमें, एक सुपर पोजिशन स्टेट ले लेगा, सपोज कि सी वन फाई वन दे देगा हमें, सी टू फाई टू हमें दे रहा है, ठीक है, और आपको ये बोलेगा कि चलो ठीक है ये चेक करो कि इसकी जो इनर प्रोडक्ट है वो इनर प्रोडक्ट क्या देगा, तो आप सीधे ये कर देना, और आप जानते ही हो कैसे कैसे लिखना है, सी वन स्टार सी वन फाई वन फाई वन, क्योंकि ये जो साई है वो क्या देगा हमें, डुअल ऑफ स्पेस बता रहा है, प्लस सी टू स्टार सी टू फाई टू सॉरी फाई टू, इस तरह आएगा। अब ये क्या देगा हमें, वन, ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन वन, तो ये हमें देगा सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये क्या है, कितनी है, और ये जगह टोटल प्रोबेबिलिटी है तो ये क्या देगा हमेशा, वन देगा। ओके तो ये एक डिराक नोटेशन पे काम करते हैं। डिराक नोटेशन की एक बहुत ही अच्छी खाबी है कि ये मैट्रिक्स को बड़े बड़े मैट्रिक्स लिखना नहीं पड़ रहा है, और आपको बार बार ये जो फालतू वाली चीज़ें कि इंटीग्रल ये वो सब चीज़ें लिखना पड़ रहा है। डिराक ने ऐसा अलजेब्रा लेके आया जो बिल्कुल चेहरा बदल देने वाला था, मतलब कि ना आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा ना आपको कुछ करना पड़ेगा, सिंपल सा अलजेब्रा बस कर दो और आपका काम कंप्लीट, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना, कुछ भी आपको नहीं करना है और आपका चीज़ कंप्लीट। और सुपर पोजिशन को लिखने का तरीका क्या है, साई आप ले लो, एक कंप्लीट स्टेट है एन सी एन कर लो, और ये साई एन जो एनथ स्टेट है उस पर आप क्या कर लो, इसको अप्लाई कर लो। और एक होता है कंप्लीटनेस रिलेशन, कंप्लीटनेस रिलेशन क्या होता है कि आपके पास एक साई एन स्टेट है, ये बड़ा है और ये आप क्या कर लो, सॉरी ये कैट है ये बड़ा है, और इसे आप एन पर इजी समेसन कर दो, और आप इसे क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि ये क्या हमेशा क्या देगा, वन देगा, वो आपको ऐसे करना है प्रोडक्ट, ठीक है,
ये हमेशा क्या होगा, वन देगा। तो अब हम देख सकते हैं कि ये कैसे आता है। तो आप हमेशा क्या कर सकते हो, साई को क्या लिख सकते हैं आप बताओ मुझे। आप लिख सकते हो ना इसे कि साई को हम लिखेंगे, चलो ठीक है भाई, मैं लिखता हूँ इसे साई एन, साई एन ये मेरा वन है और मैं इसको फिर लिख रहा हूँ साई। क्यों, साई को ही मैंने क्या लिखा, ये साई लिखा, समेशन तो इसकी वजह से है कि ये मैंने लगाया इसे। अब ये तो क्या है, मेरा इनर प्रोडक्ट आ गया साई एन इंटू साई। मैंने अभी बताया था कि इसका जो डेफिनेशन है वो क्या बताता है मुझे, इनर प्रोडक्ट के बारे में बताता है। तो ऑब्वियसली ये मुझे क्या देगा, कोई नंबर देने वाला है, तो ये मुझे कोई ना कोई नंबर देगा। सपोज ये सी एन दे रहा है हमें और ये मेरा क्या देगा, साई एन। तो देखा, तो मैं साई को किस तरह से लिख सकता हूँ। तो ये इसे कहते हैं हम कंप्लीटनेस रिलेशन। कंप्लीट रिलेशन में क्या करोगे, एक तरफ आप बड़ा कैट लगाओगे, एक तरफ आप बड़ा लगाओगे और चीज़ें हो जाएगी आपकी। एक और चीज़ है कि जब आप इस ऑब्जर्वेबल को लिखोगे ए और साई, जानते हो इसे आप कैसे लिख सकते हो, कि सपोज आपको इस पे अप्लाई करना है। अगर आप बोलोगे तो मैं इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इस पे कैसे लिखोगे आप, इस पे आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे डायगर आ जाएगा सिंपली, और ये साई साई। अब ये जो डायगर है, तो मैंने क्या कहा था एक बार, डी बाई डी एक्स, अगर आप इस पे डायगर लगाओगे तो ये क्या देगा, माइनस डी बाई डी एक्स दे देगा। तो आप अगर इस तरह से काम करना चाहोगे, साई डी बाई डी एक्स साई, तो ये क्या होगा, सिंपली इस पे अप्लाई होगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं इस पे अप्लाई करूँ, तो क्या करोगे आप, माइनस डी बाई डी एक्स साई साई। ठीक है, तो ये एक ऑर्डरिंग वाला काम करता है कि कैसे कैसे आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ओके,